पाकिस्तान में चाय को नशे के तौर पर पिया जाता है, एडिक्शन है चाय की। ये पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में सबसे बड़े इंपोर्टर्स में आता है टी के। आपको एक वजीर का बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया था जब उसने कहा था कि चाय पीनी बंद कर दें, तो मजाक उड़ाने लग गए थे लोग, जबकि बात बिल्कुल ठीक कर रहा था। पाकिस्तान में इतनी चाय पी जाती है कि अगर आप लोग चाय पीनी बंद कर, हम नशे ही हैं चाय के, अगर हम चाय पीनी बंद कर दें तो पाकिस्तान में बड़े मसले, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस काफ़ी हद तक ठीक हो जाए, लेकिन हम एडिक्ट हो चुके हैं। कीनिया जो है कितना बड़ा आपको पता है एक्सपोर्टर है चाय का, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय, और फिर ये बाकी भी जो एक्सपोर्ट करते हैं उन्होंने अपनी इकोनॉमियाँ ठीक कर ली, खुद नहीं लगे चाय पे, हम लग गए चाय पे। मैं आज लोगों को एक बात बता दूँ, पाकिस्तान का कौमी मसला और कौमी सानिया है चाय, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे। और मुझे कहते हैं जी आप चाय के इतने, हम एडिक्ट हो चुके हैं, हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, हमारे सेहतें डिस्टर्ब हो रही हैं। इनको जो हल्का सा फैटी लिवर है, मैं उन लोगों को भी बात कर रहा हूँ कि क्यों, दूध तो होता है ना भाई, और गाय का दूध होता है, भैंस का, बाजू का, लोग फिर ये भी जिक्र करते हैं फैट काफ़ी और मलाई डाल के दो, मोटापे की एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में चाय, चाय की एडिक्शन। तो भाई क्या ऐसी आफत है चाय पे, चाय के बगैर रहते ही नहीं है, और फिर ये हशर अपना कर लेते हैं, सेहतें, मैदे, हर चीज़ उजाड़ लेते हैं। और देखें एक बात और, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, आप पढ़ लें। पाकिस्तान में अक्सर लोग मुझे कंप्लेंट करते हैं जी मुंह में छाले, मुंह में ये, बहुत हॉट ड्रिंक या बहुत कोल्ड ड्रिंक ना एफ्थस अल्सर्स या माउथ अल्सर्स की एक रीज़न बनती है। हम ये जो गर्म गर्म चाय पीते हैं ना, मुंह में ज़ख्म भी करती है और वहाँ से भी छाले बनते हैं। तो जो लोग हैं ये कोलेट्रल, इसे कहते हैं कोलेट्रल डैमेजेस, तो ये भी माउथ अल्सर्स और ये चीज़ों की भी। फिर याद रखें कि शदीद धूप होगी, मैंने इस शदीद धूप में इस मुल्क के मजदूर को जून की गर्मी में चाय पीते देखे। ये फिर नशा बढ़ता जाता है ना, पहले बंदा एक सिगरेट से शुरू करता है, फिर दो से करता है, फिर ये इसी तरह दौलत है उसकी भी कोई, इसी तरह चाय है। पाकिस्तान में जब इतनी ज़्यादा माशरे में चाय फैला दी जाएगी, हर तरफ चाय 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 हो जाएगी, तो हम एडिक्ट हो जाएंगे। इसी तरह हम कार्बोनेटेड ड्रिंक, सेवन अप, पेप्सी के एडिक्ट हुए हैं। इधर रोटी खा के बैठे होते हैं, उधर सामने फिर रोटी रख देते हैं, अच्छा रोटी आ गई, चलो जी रोटी आ गई, फिर रोटी आ गई, चलो जी रोटी आ गई। हम लोग जो है एक टाइम में छः छः दफ़ा रोटी खा लेते हैं। इसी तरह इधर जाएगा चाय पिएगा, अगली दुकान में जाएगा चाय मंगाइए, चाय हाँ मंगाइए। तो इसलिए जो है हम एडिक्ट हो गए, हम लोग तबई तौर पर चाय के नशे ही हो चुके हुए हैं, और हमें समझ नहीं आ रही कि हम इसको नशे की तरह पीते हैं। और हम लोग पूछते हैं चाय को, और लोगों ने इसको रोमानवी, हर जगह परवीन शाकिर की शायरी में चाय घुसा दी है, हर जगह चाय घुसा दी है कि बस चाय मिल जाए किसी तरीके, चाय 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 करके हम चाय चाय हो गए। लेकिन हमें, हमारी इकोनॉमियाँ तबाह हो गई हैं, हमारे मैदे तबाह हो गए हैं, हमारे जिगरों पे फैट आ गई है, हम बाज नहीं आ रहे, हमें चाय चाहिए।